वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? भक्ति रस। श्रृंगार रस के ही दो और भाग होते हैं, कौन कौन से? वात्सल्य रस और भक्ति रस। यानी भक्ति रस को और वात्सल्य रस को श्रृंगार रस का ही हिस्सा माना गया। यानी वात्सल्य रस को और भक्ति रस को भी अलग से लिखा जाता है। तो ये क्या हो गए? ये रस के भाग हो गए। अब इसमें क्या होता है? ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना, यानी इसका स्थाई भाव क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम। जैसे वात्सल्य रस में क्या होता है? संतान के प्रति प्रेम। वैसे ही भक्ति रस में क्या होता है? ईश्वर के प्रति प्रेम। ये इसका स्थाई भाव होता है। कबीर, नानक, तुलसीदास जी, मीरा, ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो भगवत रस में ही डूबे हुए हैं। उनकी काव्य रचना हमेशा ईश्वर को ही समर्पित होती है, इसलिए वे भक्ति रस के अद्भुत उदाहरण हैं। अब हम पहला एग्जांपल लेते हैं, क्या है? ऐसो को उधार जग माही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन, पर राम सरिस नाही। जो गति जोग विराग, जतन करी नहीं पावन मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद सबरी, कह प्रभु ने बहुत जिये जानी। यहाँ पे तुलसीदास जी अपने प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वे बताते हैं कि श्री राम इतने कृपालु हैं जो बिना सेवा के ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। क्या लिखा है? ऐसो को उदार जग माही, ऐसा उदार व्यक्ति कौन है संसार में? बिन सेवा जो द्रव दीन, पर राम सरिस नाही। जो बिना सेवा के ही अपने भक्तों पर द्रवित हो जाते हैं, यानी उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो गति जोग विराग, जतन करी नहीं पावन मुनि ज्ञानी, जो मोक्ष मुनि ज्ञानी तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर सकते, वो श्री राम की कृपा से बिना किसी तपस्या के ही शबरी ने प्राप्त कर ली। क्या लिखा है? सो गति देत गिद सबरी, कह प्रभु ने बहुत जिये जानी। वो गति यानी वो मोक्ष श्री राम ने गिद और शबरी को ही दे दिया। इस प्रकार से श्री राम से बड़ा कोई दयालु नहीं है। यहाँ पे तुलसीदास जी श्री राम की कृपा का उल्लेख कर रहे हैं, यानी उनकी कृपा का बखान कर रहे हैं। उन्हें अपने प्रभु पर पूरा विश्वास है। अगला लेते हैं, अंखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुनी रूखी। यहाँ पर भी भक्त की अंखियां सुनी हैं। किसके दर्शन के बिना? भगवान के दर्शन के बिना उसकी आंखें पथरा गई है, यानी भगवान की राह देखते देखते उसकी आंखें सूखी हो गई है और जैसे पथरा गई है। हरि दर्शन के बिना उन आंखों की प्यास भी बुझने वाली नहीं है। ये पद भी भक्ति रस से ओतपोत है। और स्थाई भाव क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? मोही लागी लगन गुरु चरण की, चरणन बिन कछु नाही भावे, जग माया सब सपनन की। यहाँ पे भी गुरु के चरणों के प्रति भावना दिखाई गई है, यानी गुरु भक्ति को दिखाया गया है। क्या कहा गया है? कहा गया है, गुरु चरणन में ही अब मेरा चित लग गया है, यानी मेरा ध्यान लग गया है। अब मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं रह जाती है और सारा संसार मुझे सपने जैसा प्रतीत होता है। तो यह ये रस भी भक्ति रस से ओतपोत है। और यहाँ पर भी गुरु के प्रति प्रेम की भावना है। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? चरण कमल बंदो हरि राई, जानकी कृपा पगु गिरी लगे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धोराई। यहाँ पे तुलसीदास जी ने श्री राम की महिमा का वर्णन किया है। उन्हें अपने इष्ट पर पूरा भरोसा है, उनकी कृपा पर, उनकी दया पर। वो भक्ति रस में इस प्रकार डूब गए हैं कि उन्हें श्री राम के अलावा कोई आश्रय नजर ही नहीं आता।
वो अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। उन्होंने कहा, चरण कमल बंदो हरि राई, जो श्री राम की पर जो श्री राम पर विश्वास रखता है, जो श्री राम के प्रति भावना रखता है, जो श्री राम के प्रति श्रद्धा रखता है, उसका अवश्य कल्याण होता है। श्री राम की कृपा से जानकी कृपा पगो गिरी लंगे, श्री राम की कृपा से लंगड़े पर्वत चढ़ जाते हैं, अंधे को सब दिखाई देने लगता है और बहरे को सब सुनाई देने लगता है और गूंगे फिर से बोलने लगते हैं और जो भिखारी होता है, रंक होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, वो राजा के समान हो जाता है और छत्र जिसके साथ चलते हैं, यानी छत्र पकड़े पकड़े लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं, वो सेलिब्रिटी हो जाता है, यानी वो राजा के समान संपन्न हो जाता है। ईश्वर की कृपा से सब चीज संभव है। अब अगला पद लेते हैं। अगला पद किसका है? अगला पद मीरा का है। मीरा अपना आराध्य श्री राम को नहीं कृष्ण को मानती है, वो कृष्ण को अपना पति समझती है और उस पर पूरा अधिकार समझती है और अपना पूरा जीवन उस पर समर्पित कर देती है और उसके अलावा उसे कोई पुरुष धरती पर नजर ही नहीं आता, न ही कोई सहारा नजर आता, वो उसके लिए तो बस कृष्ण है और कृष्ण उसके लिए है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है और दुनिया में मेरा कोई नहीं है, जाके सिर मोर पंखा मेरो पति सोई। अब मीरा ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि जिसके सर पर मोर मुकुट है वो मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, न तो कोई मेरा पिता है, न कोई मेरी माता है, न मेरा कोई भाई है, न ही कोई मेरा मित्र है, मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, अब मैंने अपने कुल की लज्जा को भी छोड़ दिया है क्योंकि मुझे श्री कृष्ण से प्यार हो गया है। श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं और उनके लिए ही मेरा ये जीवन समर्पित है, तो ये भी भक्ति रस से ओतपोत है। और स्थाई भाव क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु करी कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खवायो, खर्च न खूटे कोई चोर न लूटे दिन दिन बड़े सवायो। अब यहाँ पर भी मीरा क्या कह रही है कि मैंने गुरु की कृपा से क्या पा लिया है? राम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, यानी कृष्ण भक्ति को पा लिया है। अब ये धन कब ना तो कभी खर्च होता है, न इसे चोर लूट सकता है, ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या कहा मीरा ने कि गुरु की कृपा से मुझे एक अनमोल वस्तु मिल गई है। सबसे अनमोल वस्तु दुनिया में क्या है? प्रेम। ईश्वर के प्रति प्रेम तो और भी अनमोल हो गया। तो इस प्रकार से मीरा क्या कह रही है? ईश्वर की कृपा से और गुरु कृपा से मुझे क्या मिल गया है? एक अनमोल वस्तु मिल गई है, प्रेम मिल गया है, श्री कृष्ण का प्रेम मिल गया है। वो श्री कृष्ण की कृपा को महसूस कर रही है, उनके प्यार को महसूस कर रही है। उस प्रेम का क्या है? वो प्रेम न तो खर्च होता है, न कोई उसे चोर लूट सकता है, यानी ये प्रेम ऐसा है न तो दिन दिन घटेगा और न ही इसे चोर लूट सकता, बल्कि ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। तो इस प्रकार से मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई है। तो ये पद भी भक्ति रस से ओतपोत है। इसका स्थाई भाव क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारा क्या है? श्याम मन चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासू। ये भी मीरा का ही पद है। अब मीरा अपने पतिदेव यानी श्री कृष्ण से क्या विनती कर रही है कि मुझे अपना नौकर ही रख लो, यानी चाकर रख लो, और ताकि मैं आपका सानिध्य प्राप्त कर सकूं, आपके साथ रह सकूं। और क्या क्या करूंगी आपके लिए? चाकर रहसूं बाग लगासूं, आपकी चाकर रहकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी,
नित उठ दर्शन पासूं और आपके दर्शन भी करूंगी। और क्या करूंगी? वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासूं और आपकी महिमा का वर्णन मैं वृंदावन की गलियों में करूंगी। इस प्रकार से हमने भक्ति रस के एग्जाम्पल देखे। इसमें ईश्वर के प्रति अगाढ़ प्रेम की भावना होती है, श्रद्धा की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है। यदि आप मेरे साथ भक्ति रस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भक्ति रस को पहचानना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध कर देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको किन किन टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। धन्यवाद।